चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल अपने स्कूल में 12वीं में टॉप करने वाले 9000 छात्र छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। वहीं बच्चों को ई स्कूटी के अलावा पेट्रोल वाली स्कूटी लेने की भी स्वतंत्रता रहेगी। सरकार ने 30 जून तक के लिए तबादलों से भी प्रतिबंध हटा लिया है। विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार बड़े फैसले कर रही है। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया है। जिले के अंदर 15 से 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। इस साल अपने स्कूल में 12वीं में टॉप करने वाले 9000 छात्र छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। बच्चों को स्कूटी के अलावा पेट्रोल वाली स्कूटी लेने की स्वतंत्रता रहेगी। पहले साल में इस पर 135 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 साल के लिए 424 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। आज वो स्कूटी वाला भी कैबिनेट में आ रहा है, उसको हम करेंगे। स्कूटी केवल बेटियों को नहीं, अब वो बेटे चलाएंगे कि मामा मामा हमारे विधान में तो बेटों को भी देंगे। एक बेटा स्कूल में और एक बेटी जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, कैबिनेट अभी आएगी तो करेगी। तो देखो जन कल्याण का महायज्ञ अपना चल रहा है, अद्भुत है। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया है जिसने सहकारिता नीति को कैबिनेट से मंजूर किया है। शासन की जन कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता को आंदोलन बनाने के लिए देश में पहला प्रस्ताव पास करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कैबिनेट बैठक में कहा, मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में अद्भुत है। कई परिवारों को 5-5 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।